अफगान से जुड़ा है शाइशा शिंदे का रिश्ता। ग्वालियर में है शाइशा के परिवार की पुश्तैनी हवेली। रियलिटी शो लॉकअप में शाइशा शिंदे ने खुद से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है और ये बताया है कि उनके पूर्वज अफगान के रहने वाले थे, जिसके बाद वो कराची चले गए और पार्टीशन के समय वो ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे। वो बेसिकली मुल्तान के रहने वाले हैं, इसलिए उनका सरनेम भी मुल्तानी था, यानी वो सिंधी थे। और ग्वालियर में उनके परिवार की पुश्तैनी हवेली आज भी मौजूद है। शाइशा का कई बार मन करता है कि वो ग्वालियर में अपनी पुश्तैनी हवेली को देखने जाए, लेकिन उनके परिवार की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं मिलती। शाइशा ने ये भी बताया कि उनके दादा ग्वालियर से पुणे शिफ्ट हो गए थे और उनकी दादी मराठी परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन दादा के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी अकेले दादी ने निभाई और जिस केयर टेकर को घर में बच्चे संभालने के लिए रखा गया था, उसने स्कूल में नाम लिखवाते वक्त शिंदे लिखवा दिया और तब से उनके नाम के साथ शिंदे जुड़ गया है। हालांकि शाइशा ने यह भी बताया कि उनके पापा ने उन्हें ये कहानी बताई है, अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो नहीं जानती, लेकिन अगर उनके पापा की कहानियों को सच माना जाए तो उनके पूर्वज अफगानी थे जो भारत आकर बसे और अब शाइशा शिंदे के नाम से पहचानी जाती हैं। शाइशा ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से वो स्वप्निल से शाइशा में तब्दील हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकअप में कैदियों की कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं और हर कैदी खुद से जुड़ा राज कंगना की जेल में सार्वजनिक कर रहा है। तहसीन पूनावाला हो, शिवम शर्मा हो या अंजलि या फिर शाइशा, सभी ने खुद से जुड़ा राज कंगना की जेल में सार्वजनिक किया है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।